लॉकडाउन चल रहा है और इसमें अच्छा है कि हम घर पर ही ब्रेड या बंस बनाएं, तो आज हम बना रहे हैं टूटी फूटी बंस। इसके लिए चाहिए हमें आटा, मक्खन, चीनी, कुछ टूटी फ्रूटी, नमक, मिल्क पाउडर, शहद या हनी, मीठा सोडा, थोड़ा सा दूध, विनीगर, ईस्ट और दही। आइए हम थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं, और पानी हमें देखना है बीच में कि बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, बस जितना हमारी उंगली वो सह पाए इतना ही गर्म हमें करना है। और इसमें हमें 2 चम्मच चीनी डाल के इसको मिलाते रहना है जब तक चीनी अच्छे से नहीं घुल जाती। देखिए ये इस तरीके से चीनी हमें अच्छे से घोलना है। अब देखिए ये चीनी घुल गई है, इसमें हम ये 1 चम्मच यीस्ट डाल रहे हैं और इसको हल्के से घुमाना है ताकि अच्छे से ये घुल जाए, और इसको हमें ढक देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद देखिए आप ये फूल गई है और ये तैयार है। अब हम आटा ले लेते हैं, ये 3 कप आटा है। अब हमें इसमें एक एक करके अपने इंग्रेडिएंट्स को डालना है। देखिए ये छोटा 1/4 चम्मच ये हमें सोडा, मीठा सोडा जो होता है ये बेकिंग सोडा, इसको हमें डालना है। देखिए ये मेल्टेड बटर है, इसको 2 चम्मच लिया है हमने, ये इसमें डालेंगे। इसके बाद ये विनीगर 1 टीस्पून है, देख लीजिए। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, ये देख लीजिए। इसके बाद ये मिल्क पाउडर है, ये 2 चम्मच हमने लिया है इसमें। इसके बाद ये हनी हम डाल रहे हैं, शहद इसमें आप 1 से 1.5 चम्मच ऑप्शनल है, ये हम डालेंगे। इसके बाद देखिए इसमें हमने ये ईस्ट को डाल दिया है, और ये 2 चम्मच हम इसमें कर्ड या दही ये हम डाल रहे हैं इसमें। अब इन चीजों को आपको मिलाना है और एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसको हल्के हाथ से आप गूंथते जाइए, क्योंकि ईस्ट को आप अगर ज़्यादा इसमें प्रेशर देंगे तो ईस्ट जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगी, तो हल्का ही हाथ रखना है। और इसमें गुनगुना जो है दूध, इसके साथ हमें इसको गूंदना है, और दूध जो हमने 1/2 कप लिया था उसमें हमें 1/2 कप ही गर्म पानी भी हल्का मिलाना है, ताकि ये गर्म रहे टेम्परेचर इसका, ताकि ये जल्दी हमारा डो तैयार हो जाए। इसमें आप देखिए अब टूटी फ्रूटी डाल देंगे हम, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक नरम आटा जैसे आप गूंथते हैं घर में रोटी का, उससे थोड़ा और गीला मतलब आपको गूंदना है इस पर, तभी आपके बन सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप ये दूध डालते रहिए इसको, और इसको अच्छे से गूंद लीजिए, और एक सॉफ्ट डो बन जाएगा आपका, ये देखिए। ये अब आपका डो लगभग तैयार हो गया है। इस डो को हम 1.5 से 2 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे, और इसी दौरान हम अपना ओवन जो है वो प्रीहीट कर लेंगे 150 डिग्री पर। अब ये देखिए जो हमारा डो है ये लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इसको अब आप इकट्ठा कर लीजिए, ये देखिए ऐसे इकट्ठा करेंगे, और आपको जितनी भी साइज़ के बन चाहिए उसके हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। ये देखिए हमारा ओवन जो है 150 डिग्री पर ये प्रीहीट हो रहा है 15 मिनट के लिए। देखिए बेकिंग ट्रे पर पहले आप ग्रीसिंग कर लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर आप बटर पेपर लगाएंगे, उस पर भी आप ऑयल लगा देंगे, और ये देखिए छोटे छोटे साइज़ के मैं बॉल्स बना रही हूँ हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर। और आप थोड़ा सा इन बॉल्स के बीच में जब आप इसको रखेंगे ट्रे में, तब आप थोड़ा गैप रखेंगे, क्योंकि ये जो बन है ये अंदर ओवन में फूलेंगे थोड़ा, तो इसलिए इनको स्पेस चाहिए होगा ताकि चिपक ना जाए आपस में। और ऊपर से ऑयलिंग करेंगे आप, ग्रीसिंग करेंगे हर एक बन की। और ये देखिए अब आप इसको 45 मिनट्स के लिए 170 डिग्री पर हमने इसको रख दिया है, और ये आपको दोनों रॉड्स की हीटिंग पर रखना है। ये देखिए हमने ये रख दिया है ओवन में,
देखिए अब हम इन बंस को निकालेंगे, ये अच्छे से बेक हो गए हैं। ये देखिए देखिए अब ये बंस खाने के लिए तैयार हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।